गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे आर्यवीर के साथ थोड़ी सी रिपब्लिक डे रिलेटेड एक्टिविटीज। बट उससे पहले आर्यवीर को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। आज स्कूल डे है, जब स्कूल से वापस आएगा तब उसके साथ खेलेंगे। एनीवेज, मैंने परसों थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था मॉर्निंग का, बट देन उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। दो दिन से मेरी तबीयत खराब थी तो मैं व्लॉग कर नहीं पाई। बट आई वुड लव टू शेयर दोस क्लिप्स विद यू गाइस। तो आप लोग जाओ और देखो परसों सुबह क्या क्या हुआ था, एंड देन कम बैक एंड ज्वाइन मी। तब तक आर्यवीर स्कूल से वापस आ जाएगा एंड हम उसके साथ बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि रिपब्लिक डे के लिए वो थोड़ा एक्साइट हो, उसे समझ में आए, इंडियन फ्लैग के बारे में समझ में आए। सो दैट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। गाइस, आज है मंडे और अभी हम जा रहे हैं आर्यवीर को स्कूल छोड़ने। आर्यवीर, आप एक्साइटेड हो स्कूल के लिए? आर्यवीर को स्कूल बहुत चल रहा है, रोज के मेरे से पूछता है स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। Come on, let's go. ठीक से बोलो। शैतान कहीं का। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ आर्यवीर के स्कूल के पास। बेसिकली एक पार्क है, बड़ा अमेजिंग मौसम हो रहा है आज, लाइक हल्की गर्मी है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मुझे ठंड बिल्कुल नहीं पसंद। हमने हेडफोन्स ले आई हूँ, दीज आर द सोनी, नाम मुझे पता नहीं, MDR XB650BT। बड़े अच्छे हैं, लाइक नॉइस का कैंसलिंग भी है तो सराउंड साउंड्स नहीं आती, एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है मेरे फ़ोन से। एंड मैं विंक म्यूज़िक पे सॉन्ग सुनती हूँ। विंक पे इसलिए क्योंकि क्या होता है, अगर मैं डाउनलोड करूँ ना सॉन्ग्स, एंड जो सॉन्ग्स मुझे पसंद है वो सुनूँ, तो मैं लाइक पूरी लाइफ ही वही सुनती रहती हूँ। मुझे नए सॉन्ग्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो आई प्रेफर लिसनिंग टू द रेडियो एंड लिसनिंग टू विंक टॉप 100 जो भी होता है उनका वायरल म्यूजिक, ताकि एटलीस्ट मैं अपडेटेड तो रहूँ कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, वरना मुझे पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। तो या मोना इज स्टिल गोइंग प्रिटी स्ट्रांग। अगर आपको नहीं पता तो आर्यवीर ने इस पिंपल का नाम मोना रखा है। सो मोना इज स्टिल गोइंग प्रिटी स्ट्रांग एंड काफ़ी दिन हो गए। आई थिंक फ्राइडे को हमने नाम रखा था इसका, एंड अभी मंडे है, अभी भी जिंदा है। पता नहीं क्या हो रहा है इसको, मैंने कुछ किया नहीं है इसको वैसे, ऑल द वे मैंने कुछ कोशिश भी नहीं किया कि ये चली जाए, बट ये अपने आप भी नहीं जा रही। इतना लंबा पिंपल तो कभी नहीं हुआ मुझे। एनीवेज, चलो वॉकिंग करते हैं। 20 to 30 मिनट्स में करती हूँ, बट फास्ट वॉकिंग करती हूँ ताकि मुझे कम टाइम पे मैक्सिमम वर्कआउट मिल जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी इतना ही होता है। तो लेट्स गो। आई एम बैक। अब हम जा रहे हैं वॉकिंग कर ली। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, अमेजिंग, लाइक द स्काई इज़ वेरी क्लियर। अच्छी ठंडी ठंडी, लाइक बहुत ठंडी मिली, हल्की ठंडी हवा चल रही है। मौसम अदरवाइज लाइक गर्म है, लाइक मैंने सिर्फ एक टी शर्ट और एक हाफ जैकेट पहनी हुई है एंड मुझे ठंड नहीं लगी। सो इट्स रियली रियली अमेजिंग। वरना पिछले एक दो दिन से मैं वॉकिंग जा रही थी, हाफ जैकेट ही पहन रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आप वॉक करते हो तो आपकी लाइक बॉडी हीटअप होने लगती है, फिर फुल जैकेट से नॉर्मल आपको गर्मी लगती है। और जब तक मुझे लाइक बॉडी हीटअप नहीं होती, फर्स्ट एक दो राउंड्स में मेरे हाथ से जम रहे थे बिल्कुल, लाइक जैसे बर्फ में डाल दिया मैंने अपने हाथ। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टोटली कम्फर्टेबल थ्रू आउट द होल वॉक। तो काफ़ी सही रहा, मौसम बहुत अमेजिंग हो रहा है यार, ऐसे ही रहो थोड़े दिन। मुझे ठंड बिल्कुल नहीं पसंद है, आई जस्ट होप थोड़ी गर्मी आ जाए फिर से, लाइक अब गर्म ही रहे, अब ठंडा ना हो। आई ऑनेस्टली डोंट लाइक विंटर दैट ऑल। मेरे से काम भी नहीं होता, पूरे टाइम नींद आती रहती है। व्लॉग्स वीडियोस अगर आपने नोटिस किए हो, मे भी नहीं किए होंगे, बट क्योंकि मैं शेड्यूल पे तो डाल ही रही हूँ, कंसिस्टेंटली डाल ही रही हूँ, मंडे वेंसडे फ्राइडे एट 4। बट मुझे और भी कंटेंट क्रिएट करना है, इतनी सारी चीज़ें मेरे प्लान्ड है, काफ़ी सारे हॉल्स मुझे करना है जो मैंने चीज़ें मंगवाई हुई हैं। पर इट्स जस्ट विंटर्स है, आई कॉन्ट वॉक, लाइक ऑनेस्ट ट्रू स्टोरी। मैंने दो बार जॉब अपने छोड़े थे बस क्यों, क्योंकि विंटर्स आ गई थी। आई कुडंट वर्क, लाइक मैं नहीं कर पा रही थी काम, बस क्योंकि विंटर्स आ गई थी मैंने काम छोड़ दिया था। एंड फिर लाइक फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे किया, फिर मैं नेक्स्ट ईयर जब लाइक थोड़ी समर्स मार्च के अराउंड मैंने फिर से जॉब ढूंढा, फिर अगेन अक्टूबर के अराउंड छोड़ दिया, क्योंकि इतनी ठंड लगती है यार। आई डोंट नो, आई कॉन्ट वर्क इन विंटर्स, आई जस्ट हेट विंटर्स। सॉरी टू ऑल दोज पीपल हु लव विंटर्स, बट आई जस्ट डोंट। हाँ, चाहिए स्कूल की लिस्ट, बेसिकली नॉट रियली एडमिशन लिस्ट, बट ये लिस्ट कि आपको एडमिशन मिल सकता है। बेसिकली पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, बेसिकली कितना बोलती हूँ मैं, पॉइंट सिस्टम के हिसाब से काइंड ऑफ एक कट ऑफ है। तो आप वो कट ऑफ क्लियर करते हैं नहीं, और आपने फॉर्म ठीक से भराया नहीं, उसकी लिस्ट स्कूल्स की आनी है। सुबह से मैं वेबसाइट चेक कर रही हूँ, किसी की भी अभी तक आई नहीं है। अभी मेरे मदर्स ग्रुप पे मैसेज आया, शायद एक लिस्ट आ गई है, जाके देखती हूँ, चेक करती हूँ।
हेलो आरवीर को जस्ट पिक करने जा रही हूँ. उस स्कूल में जिस स्कूल की एक की लिस्ट आई थी उस पे नाम है, बट उसमें सबके ही नाम है. उन्होंने बेसिकली जिनके फॉर्म्स उनके बेसिकली उन्होंने वो लिस्ट में नाम डाले हैं जिनके फॉर्म्स एक्सेप्ट हो गए. अरे यार, उन्होंने बेसिकली उन सबके नाम डाले हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया. उन्होंने पॉइंट वाइज नाम नहीं डाले, तो पता नहीं क्या होगा यार. टेंशन. आरवीर को पिक करने जा रही हूँ. फिर मैं आरवीर का ड्रोन लाई हूँ. बेसिकली मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ड्रोन चलवाऊँगी वीकेंड पे, बट हमें टाइम ही नहीं मिला. तो जिस पार्क में मैं वॉक करती हूँ स्कूल के पास, खुली क्यों नहीं रहा, उसमें इसको बेसिकली इसका जो ड्रोन है विच इज़ अ हैंड हेल्ड नॉन बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन, पता नहीं कहाँ गया यार, वो चलवाना है. ये मेरी सिस्टर ने, बेस्ट एंड स्लैश सिस्टर ने उसको गिफ्ट किया था बर्थडे पे, फिर वो चला ही नहीं पाया बेचारा, क्योंकि हमारा पार्क जाने का आजकल हो ही नहीं रहा. एक तो पोल्यूशन इतना हो गया दिल्ली में, फिर ठंड इतनी तेज़ थी, फिर वो प्लान ही नहीं बन पा रहा. मैं सोचा स्कूल के बाद इसे 10-15 मिनट थोड़े गेम्स खिला दूँ. एक और लाइन है, इसको बर्थडे पे मिला था किसी ने, फ्रेंड ने दिया था इसको. दिस इज़ लाइक अ हैंड ग्लाइडर. सो कूल. सो या ये दोनों चीज़ें भी करेंगे हम स्कूल के बाद. हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट आरवी को चलाना है अपना ड्रोन. क्या है औसम मौसम, चलाएं आपका ड्रोन? पकड़ोगे आप ड्रोन को? चलाएं, ये खींचना है बस. चला मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ही चला रही हूँ. उधर रख के देखते हैं. लेके आओ मम्मा के पास, मम्मा फिर से चलाएगी. लेके आओ, दो दो मम्मा को, रुको मम्मा को पढ़ने दो. वन टाइम मम्मा, उसके बाद दीदी. ओके आरवीर आ गया है स्कूल से वापस. अब हम करेंगे फर्स्ट एक्टिविटी. उसके लिए आपको एक बॉक्स चाहिए, प्रेफरेबली थोड़ा डीप बॉक्स लेना वरना ज़्यादा गम फैलेगा. ये है आई थिंक मसूर की दाल, उड़द दाल वाइट वाली एंड ग्रीन वाली. ये शायद साबुत उड़द दाल बोलते हैं, नॉट रियली श्योर. बेसिकली इन तीनों दालों को आप सेक्शन वाइज इसमें डाल लो. सेंसरी प्ले है, बच्चे को खेलने दो, चिल करने दो, इन्जॉय करने दो. रिपब्लिक डे स्पेशल. बाद में ऑब्वियसली एक तो आप इस पर ढक्कन भी लगा सकते हो ताकि बच्चा बार बार सेम चीज़ खेल सके, आपको बार बार दालें वेस्ट नहीं करना पड़े. एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लाइक किचन से स्टफ दो, जैसे मैं आरवीर को दूंगी ये सूपा खेलने के लिए, तो किचन का ही सामान है तो गंदा नहीं होगा. बाद में आप मिक्स दाल बना सकते हो इसका, तो वेस्टेज नहीं होगी. बेटा आपके लिए गेम ला रही हूँ. टडा. एंड ऑब्वियसली आप कितनी भी ज़्यादा या कम दाल डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंटेनर और आपको कितना डीप करना है. आर यू रेडी? ब्लू कलर का कुछ नहीं है, वरना आप कलर ब्लू कलर का डाल सकते हो बीच में बच्चे के लिए. खेले चलो. किसका है, किसका फ्लैग है? रुको रुको, अभी नहीं, वहाँ चल के टेबल पे चल के. किसका फ्लैग है ये? आपका फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है? इंडिया का फ्लैग है ये? इंडिया का फ्लैग है. आप इसमें पोर कर सकते हो. ये एक्टिविटी आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो. हमने स्टार्ट ये राजमा से की थी. सिंपली चीज़ों में चीज़ें पोर करो. एंड बेबीज इसमें बहुत बिजी रहते हैं. आर यू लाइक घंटों बिजी रह सकता है इस पर. दिस इज़ हाईली थेरेप्यूटिक ऑल्सो. अगर आप भी अपने हाथ में जाके ऐसे ऐसे करो ना, आई डोंट नो वट एल्स टू कॉल इट, मुझे ऐसे बड़ा ऐसे अच्छा वाला फील आता है. अभी ये नीचे रखो मम्मा, एक और चीज़ बताती है. इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? नेशनल बर्ड है वो, एनिमल कौन है? टाइगर. अब टाइगर को क्या करेंगे हम? वेट करो, टाइगर को हम इसमें रखेंगे और टाइगर के ऊपर डालेंगे ये. टाइगर की नहीं नहीं करेंगे. सीट पे जाओ जी. हमने लिया बीच में लंच ब्रेक. हम लोग लंच पे खा रहे हैं रसे वाली गोभी की सब्जी. ये आरवीर ने निकाल दिया, अभी ऐसे टिका दो, मैं बाद में लगा दूंगी. रसे वाली गोभी की सब्जी, दही, रोटी
and carrot. Excuse me, वो मेरी carrot है. ये आ रही है आर्ट एंड क्राफ्ट बॉक्स है. इसमें से हम निकालते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की सप्लाईज. हमें चाहिए एक ड्राइंग बुक एंड ऑलराइट वी हैव अ ड्राइंग बुक एंड पेंटर्स टेप. बहुत सुपर सिंपल है. सिंपली मार्क ऑफ कर दो पेंटर्स टेप से एरियाज एंड बच्चे को बोलो ऊपर ऑरेंज करो पेंट एंड नीचे ग्रीन करो पेंट एंड वंस दे आर डन पेंटर्स टेप हटा दो एंड यू विल गेट रियली नाइस क्लीन लाइन्स. And then obviously you want to give two paint brushes and the colors of our flag. मैं कोशिश करती हूँ कि paint brush different designs के हो, flat brush, round brush, fan brush, ताकि painting experience बच्चे का अलग हो. थोड़ा उसको पता चले कि इस brush से कैसे lines आती हैं, क्या होता है, इस brush से क्या difference होता है. So that is what I'm going to do. ये finger paints है. सो दे कम ऑफ रियली ईजिली. कहीं भी लगे आराम से निकल जाते हैं. ग्लास से भी आराम से निकल जाते हैं, कपड़ों से, हाथ से. आई लाइक टू हैव वाइप्स हैंडी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी वाइप्स, ताकि एट एनी मोमेंट यू नो जल्दी से कुछ वाइप ऑफ करना हो तो वाइप्स आसपास हो, वरना पानी से सोप से ईजिली ये सब निकल जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमने एक और ड्राइंग बुक ले लिया है. सेम वाली भी ले सकता है बट उसका पेंट गीला था तो मेरे पास ये पड़ी हुई है. मैंने सोचा इसको कोलाज वाला बना लेते हैं. हम पहली बार देर यू वेट कर हैव पेशेंस. बेसिकली ये कट एंड पेस्ट बुक्स बहुत ईजिली आजकल मिलती हैं, 10 रुपये की होती हैं एंड बहुत सारी मिलती हैं. तो हमने नेचुरल सिम्बल्स वाली ले ली है. हम सिम्बल्स के बारे में बातें करेंगे आर्यवीर एंड पेस्ट करेंगे. मम्मा कट करेगी एंड बेबी पेस्ट करेगा. ओके लेट्स मेक अ कोलाज. आ जाओ वहाँ बैठे अपनी जगह पे. पहले मम्मा को कट करने दो. ये क्या है रिवीर? इंडिया का फ्लैग. यस मम्मा ने दो एक साथ कट कर दिया. यहाँ पे लगाना एंड फिर हम इसको कहीं भी चिपकाएंगे. ठीक है लगाओ. कौन है? What is this? National bird. National bird and what is it called? Peacock. क्या हम आपको progress? भाई चार सारी भी सब line से ही लगा रहे हैं. Nicely. Good job आर्यवीर. कितना अच्छा collage बनाया आर्यवीर ने. Good job. Next game के लिए you need a little bit of prep work to happen. Basically Indian flags बनाओ. एंड देन प्रेफरेबली मेरे पास ब्लैक बिंदीज हैं बट अगर आप ब्लू बिंदीज ढूंढ पाओ तो ब्लू बिंदीज ढूंढ के आसिया किड टू टेक वन आउट एंड स्टिक इट इन बिटवीन एज योर अशोका चक्र. सो मैं क्या करूँगी अभी तो ये मैं ऐसे लगा रही हूँ बट आई एम गोइंग टू पुट लिटिल पेंसिल मार्क्स बीच में. सो आर्यवीर नोज वेयर एग्जैक्टली ही नीड्स टू पुट द डॉट. ऑफकोर्स इफ यू कैन मेक इट एज परफेक्ट एज पॉसिबल मेक इट एज परफेक्ट एज पॉसिबल एंड इफ नॉट तो जैसे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा इम्परफेक्ट फ्लैग्स दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ. मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप इंडियन फ्लैग को इतनी बार बच्चे के आईज के सामने लाओ तो दे स्टार्ट रिकोगनाइजिंग इट एंड देन ऑफकोर्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए फाइन मोटर स्किल्स के लिए ये गेम बहुत अच्छा है बिकॉज उस पॉइंट पर आपको वो बिंदी लगानी है. आर्यवीर एक्सप्लोर करेंगे ग्लोब. आर्यवीर के बर्थडे पे ये मिला था. हमारे पास नॉर्मल ग्लोब भी है बट हम इसमें इंडिया ढूंढेंगे. हाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. ऐसे भी चलते हैं. इसमें कुछ ऑन ऑफ का बटन भी है. रिपब्लिक डे एक्टिविटीज काइंड ऑफ अब डन है हमारी. बाकी तो ऑब्वियसली रिपब्लिक डे परेड देखना है. ओ एक और आइडिया मेरे पास जो भी मैं थोड़ी देर में करूँगी. बट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड क्या आप चाहोगे कि मैं मोर एक्टिविटीज ऐसे इंक्लूड करूँ अपने व्लॉग्स में या नहीं. अब मेरी मम्मा बने हुए हो. अब मेरी मम्मा हो.
हार्ट है बलून में क्यों जा रहे हो अपने बेबी को छोड़ के? अब तो मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ। मम्मा आई मिस यू, आई मिस यू। अब आ जाओ। नहीं, अब पैर ऊपर लगो। बट आई मिस यू मम्मा। मम्मा बेबी आप भी हो होटल बलून में। बट आई मिस यू, मेरे पास आ जाओ, आप इतने दूर बैठे हो। मैं बस वहाँ होटल बलून वाले अच्छा आप आगे बैठे हो हॉट एयर बलून में। हॉट एयर बलून ऐसे चलता है स्टीयरिंग व्हील से। आप बताओ, आप मम्मा हो क्या? क्या लाए हो आप? लॉलीपॉप। मेरे लिए लॉलीपॉप लाए हो? दे तो दो। मैं अभी घर जा, घर जाके। अरे वीर आपके निकाल के दिखाऊं? इधर आ। अब सिंपली इसका प्रिंटर स्टेप निकाल दो वंस इट्स ड्राई एंड सी यू ऑलरेडी गेटिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। टडा, बस मैं शोका चक्र बनाना है। अरे वीर देखो, ये आपने पेंट किया अशोका चक्र। अभी बना देगी मम्मा, बना देगी इसमें। देखो रिपब्लिक डे पे क्या होता है, परेड होती है। हाँ, पुलिस कार। देखो ये सबसे आगे रखो। क्या होता है अरेवीर, रिपब्लिक डे पे परेड होती है तो ये सब लाइन से आएंगे इधर, यहाँ सलूट करेंगे और फिर इधर चले जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या आता है, आर्मी एंड ये सब आते हैं। हाँ वेट करो, अब इनको इधर फेस करो, इसे सलूट किया, अब ये वापस लेके जाओ, उधर ले जाओ। पहले परेड में क्या क्या आता है, आर्मी आती है एंड मिलिट्री एयरफोर्स ये सब आते हैं और सलूट करते हैं। आए ऐसे नहीं मारो उसको, अब उसको लेके सलूट तो क्या ही नहीं उसने, आप कर दो उसकी तरफ से सलूट। यस गुड जॉब। लेके गुड जॉब।